आइए अब चलेंगे हम इस काल की न्याय व्यवस्था को देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्याय व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी जो था इस काल में भी राजा ही था, क्योंकि परंपरागत जो समाज होते हैं इनमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्तियां जो होती है ये एक ही व्यक्ति में निहित होती थी और ये होता था राजा। तो इस काल में भी न्याय व्यवस्था का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो होते थे राजा। गांव के जो न्यायाधीश होते थे इन न्यायाधीशों को इस काल में कहा जाता था ग्राम्यवादिन, यानी ग्राम्यवादिन इस काल में गांवों के न्यायाधीशों को कहा जाता था। स्थापित जो होते थे ये एक अन्य प्रकार के न्यायाधीश होते थे जो सभी मामलों की सुनवाई करते थे, और सबसे ऊपर में होता था राजा, यानी राजा इस काल में अंतिम न्यायालय और न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। अब चलेंगे हम आर्थिक व्यवस्था की ओर। तो इस काल में आर्यों का जो था ये मुख्य पेशा हो गया कृषि। याद कीजिए जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा जो था ये था पशुपालन, और गाय इनके लिए महत्वपूर्ण होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है ये हो गया कृषि, और यहां से लेकर के आज तक जो भारत का मुख्य व्यवसाय है ये कृषि ही रहा है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है तैत्रीय संहिता नाम की एक पुस्तक है। इस तैत्रीय संहिता में ये उल्लेख है कि आर्य जो है ये वर्ष में दो फसल उपजाते थे, यानी तैत्रीय संहिता से हमें ये ज्ञात होता है कि आर्य वर्ष में दो फसलों की खेती करते थे। इसी के साथ ही हल का आविष्कारक जो है ये माना गया है पृथुवैन्य नाम के एक व्यक्ति को। ये पृथुवैन्य जो था ये संभवतः इस काल का एक काल्पनिक कलाकार रहा होगा, काल्पनिक जो पात्र रहा होगा, या फिर हो सकता है कि कोई ओरिजिनल व्यक्ति भी रहा हो, इस बारे में विवाद है। तो हम जो भी है हल का आविष्कारक मानते हैं पृथुवैन्य नाम के एक व्यक्ति को, जिसकी की इन पुस्तकों में या वैदिक साहित्य में जिनके बारे में चर्चा मिलती है। काठक संहिता नाम की एक पुस्तक है। काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल खींचने का प्रमाण मिला है। तो ये जो 24 बैल हल खींच रहे थे ये संभवतः किसी इस काल में धार्मिक क्रियाकलाप या किसी धार्मिक अनुष्ठान को दर्शाता होगा। खैर जो भी है, अगर पूछा जाए कि 24 बैलों द्वारा हल खींचने का प्रमाण कहां पर मिला है तो ये लिखा हुआ है काठक संहिता नाम की पुस्तक में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यजुर्वेद जो है इस यजुर्वेद में कुछ फसलों के परंपरागत यानी पुराने नाम दिए गए हैं जो उस काल में प्रचलित थे और जो आज प्रचलित है उन नाम। तो हम देखते हैं कि यजुर्वेद में उस काल की कुछ फसलों को क्या क्या कहा गया है। यजुर्वेद में यव कहा गया है जौ को, यव का मतलब था जौ। व्रीही कहा गया है चावल को, व्रीही का जो मतलब है ये है चावल। गोधूम कहा गया है गेहूं को। उसके बाद गुदग कहा गया है मूंग को, जो मूंग की दाल थी इसको कहा गया है गुदग। और माड़ कहा गया है उड़द की दाल को, माड़ कहा गया है उड़द को। ये हो गए यजुर्वेद में प्रयुक्त कुछ फसलों के परंपरागत नाम। अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक कालीन वाणिज्य व्यवसाय। इस काल में व्यवसाय लोग क्या करते थे? तो उत्तर वैदिक जो काल था इस काल का प्रमुख व्यवसाय जो था ये था वस्त्र का व्यवसाय, और जो था धातु कर्म का व्यवसाय, यानी कि जो धातु के शिल्प थे और वस्त्र बनाने की कला इस काल के प्रमुख व्यवसाय थे। आर्यों के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई जो धातु थी इस धातु का नाम था तांबा। चूंकि तांबे से लोग पहले से ही परिचित थे इसीलिए जब आर्य आए तो उन्होंने सबसे पहले तांबा का प्रयोग शुरू किया। आर्यों ने जिस धातु को खोजा वो धातु थी लोहा। सबसे पहले लोहे की खोज आर्यों के द्वारा या उत्तर वैदिक आर्यों के द्वारा की गई, क्योंकि लोहे का प्रथम प्रमाण जो मिला है ये मिला है 1000 ईस्वी पूर्व या 1000 बीसी का, और ये जो पीरियड है ये टाइम पीरियड था उत्तर वैदिक आर्यों का। लोहे का प्रथम साक्ष्य 1000 बीसी में अतिरंजी खेड़ा नाम के जगह से मिला है, और ये जो टाइम था ये था उत्तर वैदिक काल का। इसीलिए उत्तर वैदिक आर्यों को ही लोहे का खोजकर्ता माना जाता है। इस काल में व्यापारिक श्रेष्ठिनों यानी व्यापारिक संघों का गठन शुरू हो चुका था। ये हमने पहले भी बात कर ली थी, आर्यों से पहले भी ये शुरू हो चुके थे। यजुर्वेद में कुछ धातुओं के पुराने नामों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे हम देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में या जो यजुर्वेद की पुस्तक थी इस यजुर्वेद में सोना को कहा गया है हिरण्य। सोना जो धातु है मेटल है इसको कहा गया था हिरण्य। रांगा को कहा गया था त्रशु।
तांबा को कहा गया था लोहित अयस्क, इसको पॉइंट नोट आउट कीजिएगा कि लोहे को इस काल में कहा गया, सॉरी तांबे को इस काल में कहा गया था लोहित अयस्क, और जो लोहा धातु है इस लोहे को कहा गया था श्याम अयस्क। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, याद रखिएगा लोहे का रंग चूंकि काला होता है और कृष्ण भगवान का रंग भी काला था, इसीलिए लोहे का नाम जो है ये कृष्ण भगवान से जोड़ करके श्याम अयस्क रखा गया और तांबा को कहा जाता था लोहित अयस्क। ठीक है, आते हैं अब धार्मिक दशा में। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल की तुलना में धार्मिक दशा में काफी परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन हमें देखना है और इन परिवर्तनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस काल में यज्ञ, पशु बलि और जो धार्मिक कर्मकांड थे इनका महत्व बढ़ गया। अब अगर आपको पूजा पाठ करना है तो यज्ञ कराना होगा, पशु बलि देनी होगी और लोगों को भोजन कराना होगा, तरह तरह के कर्मकांड आडंबर आपको करने होंगे। यानी कुल मिलाकर अगर एक लाइन में बात करें तो उत्तर वैदिक काल के आते आते धर्म जो है ये काफी खर्चीला हो गया, धर्म में बाहरी दिखावा काफी अधिक हो गया, जिसके कारण धर्म आम लोगों की पहुंच से दूर होता चला गया और इसी का परिणाम हुआ धर्म सुधार आंदोलन, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय इसी पृष्ठभूमि में आगे चल करके होगा। आते हैं अब इसी काल में हिंदुओं में जो षट दर्शन था वो षट दर्शन का विकास हुआ। इन षट दर्शनों के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे, जब हम देखेंगे, जब हम बात करेंगे वैदिक साहित्य, तो उस समय में हम इसके बारे में बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कार्यों का, उत्तर वैदिक काल के आर्यों की धार्मिक दशा के बारे में। तो उत्तर वैदिक कालियों कार उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक दशा में परिवर्तन आए ऋग वैदिक काल की तुलना में, इन्हीं परिवर्तनों से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं और हमें इन्हीं बातों पर फोकस करना है कि ऋग वैदिक काल में धार्मिक स्वरूप क्या था और उत्तर वैदिक काल में उन धार्मिक स्वरूपों में क्या परिवर्तन आए, इन पर हमें पॉइंट आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम गौर करें तो उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन था, इन धार्मिक जीवन में यज्ञ, पशु बलि और बाहरी कर्मकांडों, इन तीन चीजों के महत्व में काफी वृद्धि हो गई। या अगर हम इसको एक लाइन में समझें तो इस तरह से कि इस काल में जो उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था, इस धार्मिक जीवन में जो है बाहरी दिखावा यानी आडंबर काफी अधिक बढ़ गए, धर्म खर्चीला हो गया, जिसके कारण आम लोगों की पहुंच से धर्म दूर होता चला गया और इसी पृष्ठभूमि में धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे जो दो धर्म थे ये अस्तित्व में आए और लोगों का इनके प्रति रुझान बढ़ा। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही हिंदुओं की जो षट दर्शन परंपरा थी, इस षट दर्शन का विकास हुआ, छह दर्शन इसमें अस्तित्व में आए। इन षट दर्शन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे वहां मैं इन षट दर्शन और इनके जो प्रतिपादक है उनको याद करने का आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा। इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होता है तो मैं इसके लिए ट्रिक भी आपको बताऊंगा, इससे आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। तो आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यह है कि इस काल में जो इंद्र थे, ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे, उन इंद्र का महत्व इस काल में घट गया और अग्नि जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग वैदिक काल में, उनका भी महत्व इस काल में घट गया। यानी कि इंद्र और अग्नि दोनों महत्वपूर्ण देवताओं का महत्व घट गया और जो प्रजापति थे, प्रजापति का महत्व बढ़ गया और प्रजापति इस काल के महत्वपूर्ण देवता बन गए। एक और देवता की भूमिका में परिवर्तन आया, पूषण नाम के एक जो देवता थे ऋग वैदिक काल में, ये पशुओं के देवता हुआ करते थे, इनको गौ रक्षक देवता माना जाता था। तो जो ऋग वैदिक कालीन पूषण पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल के आते आते ये जो है ये शूद्रों के देवता हो गए, यानी शूद्रों की तुलना पशुओं से होने लगी और शूद्रों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ गई। ठीक है, जो पूषण पहले पशुओं के देवता थे ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए। अब आइए इस काल में कुछ प्राचीन नाम और कुछ नए नाम से संबंधित एक टेबल से प्रश्न पूछता है, तो हम इसे फटाफट में रिवाइज कर लेते हैं कि देख लेते हैं कुछ प्राचीन नाम और उनके वर्तमान नाम क्या थे। एक प्राचीन नाम है लांगल या सीर, तो ये लांगल या सीर जो है ये कहा जाता था उस काल में हल को। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म है कुल्या, कुल्या उस काल में कहा जाता था नहर को, सिंचाई के लिए जो नहर प्रयुक्त होती थी उसको ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक काल में कुल्या के नाम से जाना जाता था।
अगला टर्म है उर्वरा। तो उर्वरा नाम से ही आपको पता चल रहा है, उर्वरा मतलब उपजाऊ। जी हाँ, उस काल में उपजाऊ भूमि को उर्वरा के नाम से संबोधित किया जाता था। एक टर्म है गव्य या गव्यति। तो आर्यों के लिए पशु महत्वपूर्ण थे, विशेष करके गाय, और पशुओं को चराने के लिए चरागाह की जरूरत पड़ेगी, तो गव्य या गव्यति इस काल में चरागाह को कहा जाता था। एक और टर्म है वैटनोट। इस काल में जो सूदखोर होते थे, जो साहूकार होते थे, जो ब्याज लेन देन करते थे, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता था वैटनोट। वैटनोट के साथ एक और टर्म आप याद रख लीजिए, जिसको कहा जाता है कुसीद। कुसीद जो है ये ऋण लेन देन की जो प्रथा होती थी इस काल में, उसे कहा जाता था कुसीद, यानी ऋण देन की लेन देन की प्रथा को इस काल में कुसीद कहा जाता था। एक और टर्म है भीषक। भीषक इस काल में कहा जाता था वैद्य को, जो डॉक्टर होते थे, जो चिकित्सक होते थे, जो वैद्य होते थे, इनको इस काल में कहा जाता था भीषक। अगला जो टर्म है ये है तसन। इस काल में तसन कहा जाता था बढ़ई को, जो कारपेंटर होते थे ये कहलाते थे तसन। इस काल में एक और टर्म आपको मिलता है तसर। तसर कहा जाता था करघा को, जिसमें बुनकर कपड़ा बुनते हैं, जिस मशीन में, उसको कहा जाता था तसर या करघा। इस काल में वाय कहा जाता था जुलाहा को, जो कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति होता था उसको कहा जाता था वाय, यानी कि जुलाहे को कहा जाता था वाय। अगला टर्म है पनी। इस काल में पनी कहा जाता था व्यापारियों को, ठीक है। और ये पनी जो होते थे, इनकी और आर्यों के बीच में हमेशा झगड़ा झंझट चलता रहता था, क्लैश होता रहता था, क्योंकि ये पनी जो होते थे ये थोड़े बदमाश होते थे, ये आर्यों के पशुओं को, गायों को चुरा लेते थे, जिसके कारण आर्यों का और इन पनियों के बीच में झगड़ा झंझट होता रहता था। अगला टर्म है अनस। अनस कहा जाता था इस काल में बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी को क्या कहा जाता था, ये कई बार पूछ चुका है एग्जामों में, तो इस काल में बैलगाड़ी को कहा जाता था अनस। अगले टर्म पर चलते हैं हिरण्य या निस्क। तो हिरण्य या निस्क जो थे ये इस काल की सांकेतिक मुद्रा थी। ये सोने चांदी के टुकड़े होते थे, जिनका जो है प्रयोग सांकेतिक मुद्रा के रूप में या करेंसी के रूप में होता था। तो इस प्रकार हमने आज फटाफट में उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। ये वैदिक साहित्य काफी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वैदिक साहित्य में जिसमें हम वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही साथ में हम प्रयास करेंगे कि उसी दिन में हम जो रिलेटेड टॉपिक से जितने सारे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम रिवाइज कर लेंगे, वो सारे प्रश्नों को हम देख लेंगे। ये प्रश्न जो होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, आप चाहें तो इसे अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और देखिए, टॉपिक पढ़ने के बाद उससे अगर हम प्रश्न निकाल पाते हैं तो हमें दो चीजें इससे तैयार हो जाएंगी। एक तो पढ़ाई के समय हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा चैप्टर में, और नंबर दो क्या है कि एग्जाम में कौन से प्रश्न आते हैं इन्हें हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछता क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, यदि हम इस चीज को पकड़ लेंगे तो हमारी 50% तैयारी ऐसे ही हो जाती है। और हमारा दिमाग भी पढ़ने के टाइम में कॉन्सेंट्रेट होता है कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे तो उसमें से कौन कौन सी चीजों को हम पढ़े, किन किन चीजों पर हम फोकस करें। इसलिए प्रश्न जान लेना ही आधी तैयारी है मेरे नजर में। तो चलिए आज इतनी ही बातें करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वैदिक साहित्य। टिल देन गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।